नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूँ आपके साथ पूनम। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है। साथ ही मौके वारदात का भी कई बार दौरा कर चुकी है। इसके साथ ही लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता रहे, आरोपी संजय रॉय से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन इसी बीच सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब तक हुई जाँच की स्टेटस रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। बता दें, सील बंद कवर में स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है और कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीआई को मामले में अब तक की जांच की प्रगति के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी। साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस को अस्पताल पर हुए भीड़ के हमले को लेकर भी जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी थी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को 6 दिन बीत गए हैं और सीबीआई ने पिछले 6 दिनों में 2 लोगों से लगातार पूछताछ की है। इस मामले का पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय और दूसरा आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अब तक सामने आए हैं। दोनों से ही लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फॉरेंसिक जांच की और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की है। और इस मामले में सीबीआई के सीएसएसएल टीम के 5 डॉक्टर्स ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, यानी इसकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश की, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। ये टेस्ट इसलिए करवाया गया ताकि जांच में एजेंसी ये सुनिश्चित कर सके कि क्या आरोपी संजय रॉय के बयानों पर विश्वास किया जा सकता है या फिर नहीं।